हम 27 हैं, वो 93 हैं, लेकिन नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा एक एक आदमी 10-10 पे भारी पड़ेगा। आपको सूरत की जनता ने विपक्ष की भूमिका दी है, उनकी नानी याद दिला देना सदन के अंदर। एक भी गलत काम मत होने देना। गुजरात की जनता को पता चलना चाहिए कि सूरत के अंदर अब किस किस्म की राजनीति चल रही है। अब भारतीय जनता पार्टी वाले कुछ गलत काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आम आदमी पार्टी का विपक्ष यहाँ पे आ गया है। पिछले कुछ दिनों में जब से नतीजे आए हैं, मैं इन लोगों के स्टेटमेंट सुन रहा हूँ, बीजेपी वालों के और कांग्रेस वालों के। वो बौखलाए हुए हैं, थोड़ा थोड़ा डरे हुए हैं। कल उनके एक बहुत बड़े नेता का बयान आया था कि सोने की थाली में कील गड़ गई है। वो आम आदमी पार्टी से भी नहीं डरते, वो उन लोगों से डरते हैं जिन्होंने आपको वोट दिया। 16 लाख लोगों से डरते हैं वो, जिन लोगों ने आपको वोट दिया है। वो 16 लाख लोग वो लोग हैं जो इन पार्टियों की राजनीति से तंग आ गए थे। पूरे देश भर में अलग अलग राज्यों के अंदर कभी कोई पार्टी आती है, कभी कोई पार्टी आती है, यहाँ पे एक ही पार्टी शासन कर रही है। क्यों? क्योंकि उसने दूसरी पार्टी को अपनी जेब में रखा हुआ। आज जब पहली बार उनको सर आंखों में आंखें दिखाने वाला कोई मिला, आप लोग मिले, तो जनता ने आपको सर आंखों से उठा लिया। हम लोग अन्ना आंदोलन से निकले हुए लोग थे। अन्ना आंदोलन में हम लोगों ने डंडे खाए थे, संघर्ष किया था, जेल गए थे, तो लोगों को लगता था ये लड़के अच्छे हैं। बस उस भरोसे पे लोगों ने हमको 28 सीट दे दी। भगवान ने हमें 49 दिन का मौका दिया। उस 49 दिन के अंदर हमने बिजली फ्री कर, बिजली हाफ कर दी, बिजली के रेट हाफ कर दिए, पानी मुफ्त कर दिया, खूब काम कर दिया 49 दिन में। रिश्वतखोरी बंद कर दी दिल्ली में। और अगली बार जब चुनाव हुआ तो लोगों ने 67 सीट दे दी, 67 सीट। तो वो 49 दिन का काम 28 लोगों का देखो। अब आप 27 लोगों का काम गुजरात की 6 करोड़ जनसंख्या देख रही है। अभी आप 27 में से किसी के पास फोन आया बीजेपी वालों का? अभी नहीं आया, आएगा। वो प्लानिंग कर रहे हैं। हमारे पास तो पैसा नहीं है, हमारे पास तो संसाधन नहीं है। हमारे पास क्या है? जो हमारे पास जनता का भरोसा है। अगर हमारी पार्टी से एक भी आदमी टूट के उधर चला गया तो बीजेपी वाले कहेंगे देखो ये भी वैसे ही है। तो वो ये साबित करना चाहते हैं कि ये भी वैसे ही है। तो जो अभी गोपाल भाई ने कहा कि अगर आप 27 में से एक आदमी उधर चला गया तो ये सोच लेना कि आप 6 करोड़ लोगों की आस उम्मीद और आशा को तोड़ेंगे। जनता आपके पास काम लेके आती है, आप कोशिश करते हो, नहीं हो पाता, जनता माफ़ कर देती है। लेकिन जनता अगर आपके पास आती है और आप उसके साथ दुर्व्यवहार करते हो, वो जनता कभी बर्दाश्त नहीं, अपमान बर्दाश्त नहीं करती। किसी का अपमान मत करना, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे इस जात का हो, चाहे उस जात, कैसा भी आदमी हो, जो आपके दफ्तर में आए और जो आपके घर में आए, उसको बिठा के एक कप चाय जरूर पिला देना, उसका मान रखना। और वो एक आदमी आप देखना बाहर जाके बोलेगा कि मैं बीजेपी वाले के घर गया, उसने घुसने नहीं दिया, कुत्ते छोड़ दिए, मैं आम आदमी पार्टी वाले के घर गया, उसने मुझे घर में बिठा के चाय पिलाई। आजकल ये इज्जत देना ही बहुत बड़ी बात हो गई है राजनीति के अंदर। इज्जत कौन देता? इज्जत देता आज की राजनीति के अंदर कोई नहीं देता। रात को 2 बजे भी अगर कोई आपके पास आए सहायता मांगने के लिए, आपको उसकी मदद करने के लिए निकल पड़ना है। अगर आपने रात को 2 बजे एक आदमी की भी मदद कर दी, वो देखना पूरी दुनिया के अंदर आपका प्रचार करेगा कि कॉरपोरेटर हो तो ऐसा हो, पार्षद हो तो ऐसा हो, वरना नहीं है। आप 27 लोगों के काम के बल पर हम पूरे गुजरात में जाके वोट मांगेंगे कि देखो ऐसा होना चाहिए। हम 27 हैं, वो 93 हैं, लेकिन नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा एक एक आदमी 10-10 पे भारी पड़ेगा। आपको सूरत की जनता ने विपक्ष की भूमिका दी है, उनकी नानी याद दिला देना सदन के अंदर। एक भी गलत काम मत होने देना। गुजरात की जनता को पता चलना चाहिए कि सूरत के अंदर अब किस किस्म की राजनीति चल रही है। अब भारतीय जनता पार्टी वाले कुछ गलत काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आम आदमी पार्टी का विपक्ष यहाँ पे आ गया है।